हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज आप इस वीडियो गल करांगे कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग CMO PO पुणे दे विच पोस्टां निकलियां वा। ग्रुप सी दियां पोस्टां निकलियां वा, लोअर डिवीजन क्लर्क दियां पोस्टां हैगियां वा। सो जिन्हां ने प्लस टू क्लास पास की हुई आ, सो फॉर्म फिलअप कर सकदा। इहदे वास्ते तुहाडा डायरैक्ट एग्जाम होना वा, एग्जाम तो बाद तुहाडी डायरैक्ट ज्वाइनिंग हो जाणी आ। इहदे विच कोई भी अपना जिद्दां कि दौड़ वगैरह होंदी, कोई भी दौड़ नहीं हैगी, लोंग जंप या हाई जंप कुछ भी नहीं है, फिजिकली तुहाडा कुछ नहीं होना है। डायरैक्ट तुहाडा एग्जाम दे बेस ते तुहाडी इह सिलैक्शन हो जाणी आ। तो ये परमानेंट भर्ती आ, जिद्दां कि अग्निवीर वाली भर्तियां पहलां आईयां सी आर्मी दे विच, उदां नहीं हैगी। ये परमानेंट भर्ती आ, 60 साल की ये भर्ती हैगी आ। तो जे तुसीं इहदा एडवरटाइजमेंट चैक करना वा, सारी डिटेल चैक करनी, तुसीं इत्थे चैक कर सकते हो। ऑफिशियल साइट आ ठीक है, इहदा लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन च मिल जूगा, उत्थों जाके चैकआउट कर सकते हो। सो इत्थे तुसीं क्लिक करोगे एडवरटाइजमेंट ते, इहदी जिहड़ी PDF आ इत्थों डाउनलोड कर लोगे। सो डाउनलोड करके एक बार तुसीं उहनूं रीड जरूर कर लिओ। जे तुहाडी एलिजिबिलिटी बनदी आ अपलाई करन दी, फिर तुसीं अपलाई कर सकते हो। जिद्दां कि तुहानूं मैं पहलां दस्सिया वा, प्लस टू तुहाडे कोल कंप्लीट होनी चाहीदी है, ते नाल तुहाडे कोल टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, तुहाडी इंग्लिश दे विच 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए है, ते जां फिर हिंदी दे विच तुहाडी 30 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए आ। तो इहदी कोई भी फीस नहीं हैगी, विदाउट एनी फीस ऑल कैटेगरी दे लई कोई भी फीस नहीं हैगी, अपलाई सारी कर सकदे आ। तो जे आपां अपलाई की गल करिए, अपलाई किदां करनी है पोस्टां दी, कि अपलाई की जे आपां स्टार्टिंग डेट की गल करते, 19 अगस्त नूं पोस्टां स्टार्ट हो गईआं सीगीआं फिल होणीआं, ते 10 सितंबर तक तुसीं इह पोस्टां अपलाई कर सकदे हो। सो फॉर्म किदां अपलाई करने आ, सो वीडियो शुरू करन तो पहलां जिहड़े भी वीर अपने इस चैनल ते नवे आए आ, सो सारों पहला चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लियो, एंड जिहड़ा नाल बैल आइकन आ रहा वा उहनूं जरूर प्रेस कर दिया करो, ता कि अगे आपां जिहड़ी भी नवीं अपडेट लैके आईए उहदा जिहड़ा नोटिफिकेशन आ सारों पहलां तुहाडे कोल आ सके। सो वीडियो शुरू करते हैं। सारों पहलां तुसीं इहदी ऑफिशियल साइट ते आ जाणा वा, इत्थे तुसीं न्यू रजिस्ट्रेशन ते क्लिक कर लेना वा। तो उस तो बाद सारिया ही टर्म्स एंड कंडीशन रीड करने तो बाद इतने नीचे आ जाना वा, इतने तुम एग्री कर देना, एग्री टर्म्स एंड कंडीशन से क्लिक करने बाद इतने अपनी जी पोस्ट अपलाई करनी है। लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट आ LDCG की शॉर्ट फॉर्म आ। उस तो बाद अपना इतने कैंडीडेट नेम मैनशन करना वा, जिदा कि तुम दिखा रहा मैं मोबाइल तो फिर करके दिखा रहा वा, इस करके इतों डायरेक्ट पहले तो डैस्कटॉप साइड कर लेना जिदा मेरा किया हो। उस तो बाद इतने अपना नेम मैनशन करना वा, तो आफ्टर दैट नीचे अपना जो जेंडर सिलेक्ट कर लेना वा। तो आफ्टर दैट अपने को इतने ऑप्शन आ रही है कैटेगरी, जी थोड़ी कैटेगरी हैगी सिलेक्ट कर लोंगे, SC या SC, SC या ST कैटेगरी वास्ते ये पोस्टा फिल होनली, जनरल वास्ते ये पोस्टा नहीं है। उस तो बाद डिपार्टमेंटल नो कर देना वा, उस तो बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ इतने फिल कर लेनी आ। सो डेट ऑफ बर्थ चूज करन तो बाद नीचे आ जाना वा, तो जिहड़ी तुहाडी एज एज ऑन 10/9/2023 के हिसाब से काउंट होकर इतने आ जाऊगी नीचे, जिदा कि यह 21 साल 9 मंथ। जी SC कैटेगरी वास्ते 25 साल तक तुम ये पोस्टा अपलाई कर सकते हो 18 साल तो लैके, बट 5 साल की तुम अलग तो एज रिलैक्सेशन मिल जाती है। तो जिदा कि फिर 30 साल हो जाता है, 30 साल तक तुम ये पोस्टा फिल कर सकते हो SC कैटेगरी वास्ते। तो उस तो बाद अपना इतने कैंडीडेट्स आधार नंबर फिल करना वा, अपनी ईमेल ID ये फिल कर देनी है, नीचे आवेंगे इतने अपना ईमेल ID कन्फर्म कर लेनी है। सो कन्फर्म करन तो बाद नीचे अपना इतने मोबाइल नंबर फिल करना वा। सो मोबाइल नंबर तो ईमेल ID तुम उ फिल करो जोड़ा कि मेल ID तुहाडी मोबाइल दे विच लॉगिन हैगी उही फिल करनी है, क्योंकि तुहानू ID ते जिहड़ा पासवर्ड तो आप इतने जनरेट करांगे, बट जिहड़ी ID आ तुहानू ईमेल ID ते ही आनी आ, ये चीज़ ध्यान नाल फिल करियो। उस तो बाद मोबाइल नंबर फिल करन तो बाद नीचे इतने तुम पासवर्ड एक क्रिएट कर लेना, पासवर्ड कैपीटल लैटर होने चाहिए, समॉल लैटर, तो उस तो बाद स्पैशल करैक्टर तो बाद नंबर होने चाहिए आ। सो पासवर्ड जनरेट करन तो बाद एक बार चैकआउट सारा कर लियो, जिहड़ा भी कुछ तुसीं चैक करना वा, जिहड़ा फिल किया होया वा, जे कुछ मिसटेक हैगी आ तुसीं इत्थों नो करके इहनूं यस नो करके इहनूं सही कर लियो, तो उस तो बाद तुसीं इहनूं सबमिट कर दियो, तो अपना सारा कुछ सही है। इत्थे यस कर दांगे, यस करन तो बाद आपां इत्थों ओके कर देना वा। तो जिद्दां मैं तुहानूं पहलां दस्या तुहाडी मेल ID ते इक तुहानूं ID आई है ठीक है, उहनूं तुसीं की करना इत्थे एप्लीकेंट लॉगिन ते क्लिक कर लेना वा। सो वह मेल ID तुसीं अपनी जिहड़ी उह यूजर नेम आ इत्थे सर्च करके लिख देना वा।
सो एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करोगे तो उस तो बाद इतने रजिस्ट्रेशन नंबर अपना लिखना वा ये तो मेल आई डी के उपर आया वा उतों देख के लिख सकते हो। उस तो बाद अपना जो पासवर्ड तुम जनरेट किया वाला पासवर्ड इतने तुम फिल कर देना वा तो उस तो बाद इतने लॉगिन पर क्लिक कर लेना वा। सो आफ्टर दैट अपने को ऑप्शन आ रही है फादर नेम की, उस तो बाद इतने फादर नेम मैनशन करना वा तो उस तो बाद अपना मदर नेम मैनशन करना वा तो नैशनैलिटी अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। तो उस तो बाद अपने को ऑप्शन आऊगी एड्रैस की, सारे नालों पहले तुसीं इहदे च अपना हाउस नंबर फिल करना वा। सो हाउस नंबर फिल करन तो बाद इतने अपना एरिया फिल करोंगे, सो एरिया फिल करन तो बाद इतने अपना लैंडमार्क कोई नज़दीकी एरिया इहदे च तुसीं फिल कर लेना वा। उस तो बाद अपना स्टेट सिलेक्ट करोंगे, आफ्टर दैट अपना डिस्ट्रिक्ट नेम इतने सिलेक्ट करोंगे। सो उस तो बाद अपनी सिटी इतने फिल कर लेनी आ, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस से तुसीं सिलेक्ट कर लेना वा ते उस तो बाद अपना इत्थे पिन कोड फिल करोगे। सो पिन कोड फिल करन तो बाद नीचे आ जाना वा, जे तुहाडा परमानेंट एड्रैस एंड प्रेजेंट एड्रैस सेम आ तुसीं इत्थे क्लिक कर लेना वा ते ऐटोमैटिकली ये फिल होकर आ जूगा। जे तुहाडा अलग अलग आ फिर तुसीं मैनुअली इहदे च फिल कर लेना वा अपना परमानेंट एड्रैस ते उस तो बाद तुसीं इत्थे नीचे चैकआउट करके सारा सेव एंड कंटिन्यू ते क्लिक करांगे, इत्थे ओके करांगे। सो ओके करन तो बाद इतने अपनी 10th की मार्कशीट की डिटेल फिल करनी है, किहड़े बोर्ड तो तुसीं पास की आ ते किहड़े साल दे विच पास की आ ते किन्ने तुहाडे परसेंटेज सीगे ते डिवीजन तुहाडी की सीगी सारा कुछ सिलेक्ट कर लांगे। सेम ही आपां नीचे सिलेक्ट करना वा प्लस टू की डिटेल सारी फिल कर लेनी है, तुसीं किहड़े बोर्ड तो प्लस टू क्लास पास आउट की आ किहड़े साल दे विच की आ ते किन्ने तुहाडे परसेंटेज सीगे ते उस तो बाद अपनी इतने डिवीजन सिलेक्ट कर लेनी आ। सो डिवीजन सिलेक्ट करन तो बाद इतने आप नीचे आ जाएंगे, सो नीचे अपने को ऑप्शन आ रही है ओके की क्लिक करेंगे, इनफॉर्मेशन सेव कर लेंगे। उस तो बाद अपना जे थोड़े को वर्क एक्सपीरियंस हैगा वा तो ये ऐड कर सकते हो, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी कंपनी का नाम ये फिल करना वा। सो जे थोड़े को एक्सपीरियंस हैगा तो ही फिल करो ठीक है, ये क्योंकि ये उन्होंने वर्क एक्सपीरियंस लैटर भी मंगना वा तो सूँ अपलोड भी करना पैना वा। तो सारे नालों पहले तुसीं इहदे विच अपना कंपनी का नेम मैनशन करना फर्म का, तो ड्यूरेशन दे विच तुसीं कदों काम यह स्टार्ट किया सीगा ते तुसीं कदों तक यह काम किया वा, जे तुसीं हजे तक काम कर रहे हो तो तुहाडी जिहड़ी अज दी रेट आ तुसीं इहदे विच फिल कर लैनी आ। तो उस तो बाद अपने कोल इत्थे ऑप्शन आ जांदी है ऐड वर्क एक्सपीरियंस ते तुसीं क्लिक कर लेना वा ते तुहाडा जिहड़ा एक्सपीरियंस ऐड हो जूगा। उस तो बाद इत्थे ओके करांगे आपां, आफ्टर दैट अपने को इतने ऑप्शन आ रही है एक फोटो अपलोड करनी है सिग्नेचर करने है, साइज इतने मैनशन किया हुआ वा मैक्सीमम साइज होना चाहिए वा 50 KB तो जो मिनीमम साइज होना चाहिए 30 KB थोड़ी फोटो का साइज, फोटो का तो सिग्नेचर का सेम साइज ही होना साइज सेम ही होना चाहिए वा। तो उस तो बाद आप जोड़े कि डॉक्यूमेंट्स है ये आधार कार्ड 10th की मार्कशीट तो प्लस टू की मार्कशीट होगी थोड़ी तो थोड़ा कास्ट सर्टिफिकेट हो गया वा तो जिहड़ा तुसीं एक्सपीरियंस तुहाडा सीगा उहदी आपां लैटर इत्थे अपलोड करनी आ। तो साइज सारिआं दा जिहड़े सर्टिफिकेट हैगे इहनां दा जिहड़ा फॉरमेट है GPG होना चाहिए वा, तो साइज तुहाडा उहदा इत्थे तुसीं उपर देख सकते हो मैनशन किया हुआ वा 100 KB तो लैके 300 KB दे विच होना चाहिए वा, तो जिहड़ा फोटो एंड जिहड़ा सिग्नेचर का साइज है 30 KB तो लैके 50 KB दे विच होना चाहिए वा। तो सारे नालों पहले तुसीं इहदा साइज बना लेना वा। सो साइज किद्दां बनाउणा वा उहदे वास्ते एक अलग वीडियो बनाई हुई आ, सो जी वीडियो तुसीं उह देखणी आ लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन च मिल जूगा उत्थों जाके देख सकते हो। तो स्टैप बाय स्टैप दस्या होया वा तुसीं किद्दां किसी भी फाइल का जिहड़ा साइज है डिक्रीज़ या इनक्रीज़ कर सकते हो। तो साइज बनाउण तो बाद तुसीं जिहड़े सारे डाकूमेंट्स आ उह एक बार अपलोड कर लेने आ, तो जे तुहानूं कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने दे विच कोई प्रॉब्लम आउंदी है तुसीं मैनूं व्हाट्सएप ते मैसेज कर सकते हो। सो नंबर जिहड़ा मेरा डिस्क्रिप्शन च प्रोवाइड करवाया होया वा। तो सारे एक बार डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने तो बाद तुहाडे कोल फाइनल सबमिट आ जाना वा, जे तुसीं एक बार फॉर्म नूं चेक करना वा जे कोई गलती वगैरह हुई आ बैक जाके उहनूं एडिट कर सकते हो, एक बार सबमिट होने तो बाद तुसीं उहनूं एडिट नहीं कर सकते, चीज़ का ध्यान रख लियो ठीक है। एक बार फॉर्म नूं चंगी तरह चेक कर लियो सारा जी सही फिल होया तो फाइनल सबमिट कर दियो। सो फाइनल सबमिट करन तो बाद
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਫਾਈਨਲ ਸਬਮਿਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ PDF ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਫੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਫੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਸਾਫ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੀਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕਆਊਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਮ ਭਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਤੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬੈੱਲ ਆਈਕੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਈਜ਼।